हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। क्लास सिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन इसको समझेंगे कि पास्ट में क्या हुआ। बेसिकली बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट देता हूँ, जो अपनी हिस्ट्री की स्टडी है उसको तीन पार्ट्स में बांटते हैं। जो हिस्ट्री की स्टडी है, फर्स्ट वन इज द एंशियंट, सेकेंड इज द मेडिवल हिस्ट्री, मेडाइवल भी कई लोग बोलते हैं, थर्ड इज द मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो हमारी ये वाली बुक है, आर पास्ट, हमारे पास्ट, तो ये हमारे पास्ट का मतलब ये कि हम एंशियंट हिस्ट्री की स्टडी करेंगे और इस एंशियंट हिस्ट्री में हम पता करेंगे कि पहले कौन क्या था, कब कुछ इंसिडेंट्स हुए, वो लोग कैसे अपने काम करते थे, और अप्रोक्सीमेट हम उनका टाइम जानने की कोशिश करेंगे कि ये टाइम कब कब क्या क्या कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए। तो बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक आप लोग के सामने है, चैप्टर वन। इसमें जो है, वेयर डिड द पीपल लिव, तो पीपल कहाँ रहते होंगे। आप सोचो कि एंशियंट टाइम में जो एग्रीकल्चर नहीं होता था, तो उनके पास एग्रीकल्चर नहीं होने से वो क्या करेंगे, फूड के लिए वो हंटिंग करेंगे एनिमल्स का, शिकार करेंगे, या फिर कुछ जंगल में जाएंगे, गैदर करके लाएंगे, फिर खाएंगे। तो वो लोग क्या कहलाएंगे बच्चों, या तो गैदरर्स होंगे या तो हंटर्स होंगे। और फिर रहने के लिए कहाँ जाएंगे बच्चों, या तो किसी हिल के पास जाएंगे जहाँ रिवर भी बहती हो, और हिल के किसी केव में अपना वो पत्थर को यहाँ पे सामने रख के अंदर घुस जाते होंगे रात में सोने के लिए। तो उनका जो रेजिडेंस होता होगा वो कहाँ होता होगा बच्चों, नदी के किनारे किसी हिल के फुट एरिया में होता होगा, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके जंगली जानवरों से। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेयर डिड द पीपल लिव, पीपल कहाँ रहा करते थे। नेक्स्ट है इसमें बच्चों, ये मैप आप देखो ध्यान से, कि जो हमारी सिविलाइजेशन है पास्ट की, वो कुछ हमारी इस एरिया में डेवलप हुई थी। ये जो एरिया है बच्चों, इसको इंडस वैली रीजन बोला जाता है। जो इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं, फाइव हैं, आप इनको देख लेना मैप में, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज और इंडस, ये सब मिलकर इंडस में मिल जाते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन के ट्राइब्यूटरीज के जो एरिया में, जो ये वाला एरिया है, यहाँ एंशियंट लोग रहा करते थे, यहाँ से हमारी एंशियंट हिस्ट्री डेवलप हुई थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, कि आजकल जो है लोग क्यों मूव करते हैं। आपने सुना हो कि आजकल कोई भी आदमी अमेरिका गया, चीन गया, जापान गया, तो जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में जाता है। लेकिन तब के लोग जो होते थे वो क्यों, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, तो इंसान का घर तो होता नहीं था वहां पे, तो बाढ़ के कारण लोग मूव कर जाते थे। कोई बीमारी आ गई, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, तो उस समय अगर कोई महामारी फैलती थी तो लोग भाग जाते थे। तो पहले के मोमेंट में और आज के मोमेंट में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें ये समझाया कि पहले के लोग क्यों मूव करा करते थे, और व्हाई डू द पीपल ट्रेवल नाउडेज, आजकल लोग क्यों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस बुक में ये है, कि अगर हम अपना पास्ट को फाइंड आउट करना है, पास्ट की नॉलेज लेनी है, तो हाउ कैन यू फाइंड आवर पास्ट। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो हमारी पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं और उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि हम कौन थे, हम क्या थे। तो इसको मैं इंग्लिश में इस वर्ड को लिख रहा हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट। ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि पुरानी सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं, कि पुराने लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या उनका कल्चर था, क्या पहनते थे, क्या उनकी भाषा थी, क्या उनकी लैंग्वेज थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस सब बातों की स्टडी करते हैं और अपने पास्ट को निकालने का ट्राई करते हैं। तो कभी कभी बच्चों एक वर्ड यूज होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है बच्चों, कि कुछ पुराने जमाने में कुछ लोग हैंड, हाथ से लिखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पे बाघ केव्स हैं, तो वहां पे कुछ उन केव्स में पुराने लोगों ने लिखा है, बट आज तक उसकी जो
अनस्क्रिप्ट है और पढ़ी नहीं गई है, ऐसे ही इनस्क्रिप्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि पत्थर पे कुछ लिखना, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से कुछ लिखना, इनस्क्रिप्ट मतलब होता है पत्थर पे कुछ लिखना। तो पुराने जमाने के जो लोग होते थे पत्थरों पे लिखा करते थे, या उनके कुछ हैंड रिटन जो आज बचे हैं वो भी बहुत कम मात्रा में बचे, लेकिन जो उनके इनस्क्रिप्शन हुआ करते थे जो मेटल्स पे या रॉक्स पे लिखे जाते थे, ये आजकल भी अवेलेबल है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुए। जो हाथ से लिखी चीजें हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो भी गई, बहुत कम मिली है आजकल, लेकिन मेटल और रॉक्स पे जो उनकी लिखावट है आज भी बरकरार है, और उसके द्वारा हम लोग उनके हिस्ट्री को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो ये हो गया इनस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्शन। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि आर पास्ट आर मेनी। अब इसमें ये समझाया गया है कि जो हमारा पास्ट है उसमें डेट का डिसीजन कैसे होता था, जो पास्ट एंशियंट हिस्ट्री में जो डेट्स होते थे कैसे डिसाइड करते थे लोग। तो बच्चों आपने सुना होगा कि हम लोग लिखते हैं एडी या लिखते हैं बीसी। फॉर एग्जांपल अभी 2020 चल रहा हमारा, तो 2020 एडी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो जीसस क्राइस्ट थे ना, उनका जो जो बर्थ होता है ना, उनको हम 0 AD मानते हैं, और उनके बर्थ के बाद से 2020 साल के बाद जो आज का समय उसको हम 2020 AD बोलेंगे। तो अगर ये हमारी लाइन है जिसपे हम ईयर्स को रिप्रेजेंट करें, तो 0 को हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ मानते हैं, और उस उनके बर्थ से, क्योंकि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, उनके बर्थ से 2020 ईयर्स के बाद जो आज का ईयर चल रहा है 2020, उसको 2020 AD बोलते हैं, ठीक है। और इनके बर्थ से पहले अगर आप पीछे जाओ बच्चों, तो इसको BC बोलते हैं। सपोज करो हम बोले कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले, तो इससे 100 साल पीछे जाओ तो 100 BC बोलेंगे। तो 100 BC और आज की डेट में कितने का डिफरेंस है बच्चों, तो ये 100 ये वाला और ये 2020, इसका मतलब 20 ईयर्स बैक। तो जो हमारा ये एंशियंट हिस्ट्री का जो हमने चैप्टर देखा वो अप्रोक्सीमेटली 2500 BC के आसपास का है। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2020 ईयर्स बाद, तो अप्रोक्सीमेटली 45-20 ईयर्स पहले की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब 4500 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थे, उस समय इनस्क्रिप्शन क्या थे, तो ये सारा डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो डेट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि AD और BC क्या होता है। BC होता है क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, और AD होता है एनो डोमिनी बोलते हैं उसको, क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। तो ये हमारा चैप्टर की समरी हो गई, और हम लोग इसके बेस पे ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी की बुक में आपके, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मगध था, मगध जो है फर्स्ट किंगडम था, जो पहला किंगडम बना इंडिया में मगध था, याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नर्मदा वैली थी ना, वहां बच्चों लोग हंटिंग और गैदरिंग करा करते थे, ठीक है। जो जो गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर मिला हुआ है, मतलब गारो हिल्स के आसपास कि जो लोग हुआ करते थे वो स्टार्टिंग में सबसे पहले एग्रीकल्चर वाला काम किए। गंगा वैली में हमारी पहली सिटीज डेवलप हुई, तो ये हमारा और क्या बचता है इसमें, इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज में क्या हुआ था, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जो हमारा इंडस वैली और उसकी ट्राइब्यूटरीज 5 मैंने बताई थी, राबी, झेलम, सतलज, चिनाव, ये सब जो रिवर्स थी इंडस की ट्राइब्यूटरीज, उनके आसपास जो हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो 2500 साल पहले डेवलप हुई थी, ठीक है। गंगा वैली में पहली सिटी बनी थी। तो इस तरह से आप ये मैच करा लोगे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इनस्क्रिप्ट। तो मैंने बताया था बच्चों मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है और ये इनस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मैनू मतलब होता है हैंड, जो इंस्क्रिप्शन जो है हाथ से लिखी गई थी उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, और जो मेटल या रॉक्स पे लिखी गई
उनको हम क्या बोलेंगे, इनस्क्रिप्ट बोलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस यही हुआ कि मैनुस्क्रिप्ट जो है हाथ से लिखी जाती थी, इनस्क्रिप्ट जो है मेटल या रॉक से लिखी जाती थी, मेटल या रॉक के ही ऊपर। ये जो हैंड रिटन होते थे बच्चों ना, वो वोलेटाइल होते थे, वो जैसे मौसम खराब हुआ, बाढ़ आई, तो ये सड़ गल सकते थे। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन थे ना, वो बड़े हार्ड थे, वो आज तक अवेलेबल हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हुआ। तो बच्चों आई होप कि आपने हिस्ट्री का इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करा होगा और आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप हुआ कि हम कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।